वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ का बता था प्लियाल। और बात करते हैं अब यूलिप्स की। जी हाँ, उससे पहले हम सब जानते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में जिस तरह की रैली दिखाई दे रही है, जिस तरह के परफॉर्मेंसेज आपको अपने फंड में दिखाई दे रहे होंगे, हर किसी का मन यहाँ पर हो रहा होगा कि स्मॉल कैप मिड कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ाए या उसमें अपने निवेश को लेकर आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए होंगे। और इसी उत्साह को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनियाँ भी जो यूलिप प्लान लॉन्च करती हैं, उन्होंने भी अक्सर अब इस तरह के यूलिप प्लान लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं जहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप का एक्सपोजर ज़्यादा है और जो एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं वहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप का एक्सपोजर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक निवेशक होने के नाते आपको ये समझना है कि सबसे पहले तो आपकी सुरक्षा कहाँ पर ज़्यादा है, जोखिम यानी कहाँ पर कम है, किफ़ायती प्रोडक्ट कौन सा है, साथ ही कमाई के मामले में और अपने निवेश लक्ष्य के मामले में किस तरह के निवेश विकल्प में आपको पैसे लगाने चाहिए। क्या वो स्मॉल कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड के ज़रिए आपको ये एक्सपोजर लेना चाहिए या वो यूलिप के ज़रिए आपको लेना चाहिए जहाँ पर भी आपको स्मॉल कैप मिड कैप का एक्सपोजर मिल रहा है। तो इस गुत्थी को ज़रा सुलझाते हैं और आपके लिए कमाई की बात करते हैं और आपके लिए किफ़ायती बात भी करते हैं। मेरे साथ हेमंत रुस्तगी सीईओ वाइस इन्वेस्ट जुड़ गए हैं। हेमंत जी, स्वागत है आपका। और ये मामला नया नहीं है, जिस तरह से स्मॉल कैप मिड कैप की कहानी लगभग इस पूरे साल में अब तक हमने लिखती हुई देखी है, बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा रुझान है और इसी को भुनाने में इंश्योरेंस कंपनियां भी पीछे नहीं हैं, ख़ासतौर से वो जो यूलिप प्रोडक्ट्स बनाती हैं, लॉन्च करती हैं। अक्सर हम कहते हैं आपको अपना इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन जब बात आती है यूलिप की तो बहुत सारे निवेशक जो है वहाँ पर उस प्रोडक्ट के आगे अपने घुटने टेक देते हैं और उसमें निवेश करने की मंशा बनाए बैठे होते हैं। अब मुझे आपसे ये समझना है कि एक तो यूलिप प्लान में जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है उसमें भी इक्विटी में अगर कोई पैसे निवेश हो रहे हैं तो उसमें स्मॉल कैप मिड कैप का अगर हम अप्रैल मई के बाद से देखें तो कैसे रुझान बदला है, डिमांड बदली है, सिनेरियो कैसे बदला है, इंश्योरेंस कंपनियों ने कैसे इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एकदम एप्ट प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, ज़रा इसकी तस्वीर पेश कर दीजिए। जी कविता, बिल्कुल। देखिए, मार्केट के जैसे हम जानते हैं तीन सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ऑब्वियसली डिफरेंट फेजेस रहते हैं मार्केट में, जब कभी लार्ज कैप अच्छा करते हैं और जब मार्केट जब ब्रॉड बेस होती है जैसा हमने अभी होते हुए देखा है, तो ऐसे समय में जो मिड कैप और जो स्मॉल कैप है वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। और जिस तरह का अभी सिनेरियो है, जैसे लग रहा है कि ऑलमोस्ट हम इंटरेस्ट रेट के पीक पे हैं, अब इशू ये है कि कितना समय पॉज रहेगा, यूएस कब इंटरेस्ट रेट पे पॉज रहेगा और कब कट होगा, तो जब कट शुरू होता है तो आपको पता है कि उसके बाद भी मार्केट जो है ब्रॉड बेस रहेगी और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे सिनेरियो में कि मिड कैप और स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो यूलिप्स हो, वहाँ पे नए फंड भी लॉन्च हुए हैं, वहाँ पे इन दोनों सेगमेंट में एक्सपोजर भी बढ़ा है। अगर हम यूलिप स्पेसिफिकली बात करें तो जैसा हम जानते हैं उसके दो हिस्से हैं, एक तरफ आपको एक लाइफ कवर मिलता है और दूसरा जो है इन्वेस्टमेंट है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है। अब होता क्या है कि क्योंकि इक्विटी पोर्शन जो है या जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन जो है वहां पे एज एन इन्वेस्टर या पॉलिसी होल्डर आपके पास अलग अलग ऑप्शन रहती हैं कि आप किस तरह का एलोकेशन चाहते हैं, हाइब्रिड है या फिर डेट है या तो फिर इक्विटी है। तो क्लियरली जब मार्केट में मूवमेंट है, आपको पता है कि वो दो सेगमेंट अच्छा कर रहे हैं, तो वही इंश्योरेंस कंपनीज ने किया, जैसा आपने बताया कि एलोकेशन जो है स्मॉल कैप मिड कैप में बढ़ा और ऐसी यूलिप भी है जो स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करती है। इनफैक्ट स्मॉल कैप जो यूलिप्स हैं वो एक ही बहुत ही रीसेंट एडिशन है, इनफैक्ट आई थिंक जुलाई में ही 23 में वो शुरू हुए, कुछ ही फंड हैं उसके अंदर, बट मिड कैप के फंड जो है वो काफ़ी समय से हैं। तो क्लियरली इंटेंशन वही है कि इंश्योरेंस कंपनीज भी चाह रही हैं कि जब वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, इन्वेस्टर्स ऐसी ऑप्शन को देख रहे हैं, तो वो अगर उनको परफॉर्मेंस भी अगर मैच करना है तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों सेगमेंट के ऊपर एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो पॉलिसी होल्डर, जो निवेशक जो है वहाँ पे, वो चाहते हैं कि उनके पास ऑप्शन रहे कि वो मिड कैप और स्मॉल कैप को चुने, तो उस तरीके से ये ऑप्शन को दिया गया है। बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों सेगमेंट का होना जरूरी है, लेकिन वो प्रपोर्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों सेगमेंट जो है इनके पास पोटेंशियल है लार्ज कैप से बेहतर रिटर्न देने का और वो लॉन्ग टर्म में दिखता भी है। लेकिन सिर्फ आप रिटर्न देखेंगे तो आपको जो वॉलेटिलिटी का जो लेवल्स है वो नहीं दिखेगा। तो अगर आप थोड़ा सा और एनालिसिस करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्पेसिफिकली स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो एलोकेशन हो
बहुत ध्यान से रखें। और कहीं ना कहीं आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे हम कहते हैं ना कि एसेट एलोकेशन में रीबैलेंसिंग करनी है, वैसे ही इन सेगमेंट में भी रीबैलेंसिंग की जरूरत हो तो कोई भी ऑप्शन जो चुने वो देख के रखिए कि आपको वो भी करना पड़ सकता है कि आपको इनकी जो एलोकेशन है कम या ज्यादा करनी पड़ सकती है। तो अपॉर्चुनिटीज हैं, मुझे लगता है आगे जाके भी होंगी, बट वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। अगर आप मेंटली उसके लिए तैयार है, स्पेसिफिकली अगर आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली आपको रिटर्न थोड़ा बेहतर मिल सकता है। अच्छा, एक चीज़ आपसे हमें समझनी है, क्योंकि हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं और इसका एक्सपोजर अगर आपको यूलिप के ज़रिए मिल रहा है, तो यूलिप का कॉस्ट स्ट्रक्चर फिलहाल किस तरह से डिफाइंड है? क्योंकि अगर हम इसकी तुलना किसी मिड कैप या स्मॉल कैप फंड के से करें, तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड एक किफ़ायती प्रोडक्ट है, और हम यूलिप एज अ प्रोडक्ट देखें तो इसमें इंश्योरेंस भी आता है, इन्वेस्टमेंट भी आता है, और ऐसे में अगर आप इक्विटी में पैसे लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्टिंग जो है वो बढ़ जा रही है, और इसीलिए इस पूरे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और इस प्रोडक्ट की कमाई की तुलना शायद आप म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप और मिड कैप एक्सपोजर से नहीं कर पाए। क्या ये सही कहना सही होगा? जी बिल्कुल, आई थिंक इसके दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं कविता, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जब हम यूलिप की बात करते हैं तो उससे पहले कि हम कॉस्ट पे आए, तो हमें ये समझना होगा कि यूलिप एज ए प्रोडक्ट आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो आपके पोर्टफोलियो में क्या रोल प्ले करेगा। अब जैसा आपने कहा, ये इन्वेस्टमेंट का इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। अगर आप इंश्योरेंस देख रहे हैं तो अमूमन आपको यूलिप के अंदर जो आपका एनुअल प्रीमियम है उसके 10 गुना आपको रिस्क कवर मिलेगा। यानी अगर आप मान लीजिए 50,000 का कवर दे रहे हैं तो आपको 5 लाख का कवर मिलेगा। तो आपको पहली बात तो सवाल ये पूछना है अपने आप से कि ये 5 लाख का जो रिस्क कवर है, आपकी लाइफ का जो कवर है, क्या ये आपके लिए एडिक्वेट है? अगर वो नहीं है तो फिर आपको ये सोचना है कि आप यूलिप में हैं क्यों, आप किस कारण से वहां पे हैं। दूसरी बात, हमेशा ये प्रूवन भी है कि आप अपनी इंश्योरेंस नीड्स और अगर अपनी इन्वेस्टमेंट नीड्स को अलग रखें तो फायदा है, क्योंकि एक तरफ टर्म प्लान है, एक तरफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। तो वो एक दूसरा सवाल है जो हर निवेशक को डेफिनेटली देखना चाहिए। तीसरा, कॉस्ट स्ट्रक्चर की आपने बात की। हालांकि मैं कहूंगा कि पिछले कुछ सालों में लो कॉस्ट यूलिप्स भी आई हैं जहाँ पे कॉस्ट कम है, बट अभी भी शायद आप कंपेयर करें म्यूचुअल फंड से तो डेफिनेटली कॉस्ट वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर हम प्योरली परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट भी परफॉर्मेंस पे आता है। तो अगर आप जो मिड कैप फंड्स हैं, स्मॉल कैप का तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ, जैसे मैंने कहा बहुत ही रीसेंट एडिशन है, कुछ ही महीने हुए हैं, तो वो तो शायद फेयर कंपैरिजन नहीं होगा म्यूचुअल फंड से। बट अगर मिड कैप की मैं बात करूं जहां पे काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो अगर आप लंबा परफॉर्मेंस देखें, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें, 5 साल 10 साल, तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि मेजोरिटी ऑफ मिड कैप फंड, ऐसा नहीं है कि सारे मिड कैप फंड ने यूरोप से अच्छा किया होगा, बट मेजोरिटी मैं कह सकता हूं, अगर आपने मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड अच्छा चुना है तो लॉन्ग टर्म में आपकी परफॉर्मेंस वहां पे ज्यादा आपको बेहतर मिलेगी। तो चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी हो, चाहे वो कॉस्ट स्ट्रक्चर हो, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डिसीजन एक इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले कि आप देखें कि मिड कैप में कितना और स्मॉल कैप में कितना, पहले तो आपको ये देखना है कि वाकई में यूलिप आपके पोर्टफोलियो में क्या रोल प्ले कर रहा है। अगर प्योरली इन्वेस्टमेंट है तो फिर आपको सोचना होगा, और इवन फ्रॉम इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू जैसा मैंने कहा, आपको उतनी एडिक्वेट रिस्क कवर नहीं मिलता शायद जितना आपको जरूरत होगी। चलिए, ये कुछ नाम जो आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तमाम वो फंड्स जो कि लॉन्च किए गए हैं और जिनमें हमने स्मॉल कैप मिड कैप का एक्सपोजर बढ़ता हुआ भी देखा है। तो जो नई स्कीम्स लॉन्च हुई है हेमंत जी, क्या उनमें कुछ खास है जो कि आप हाईलाइट करना चाहें, और वो कौन कौन सी पुरानी स्कीम्स है जहाँ पर आपको पता होगा कि शायद एक्सपोजर मिड कैप स्मॉल कैप में बढ़ाया गया है? देखिए कविता, यूजुअली जो है जो मल्टी कैप जो स्ट्रक्चर लगते हैं वहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा, बट जैसे मैंने कहा कि ऐसी भी ऑप्शंस हैं यूरोप के अंदर जो प्योर मिड कैप वाली हैं, तो नॉर्मली वहाँ पे जो एक्सपोजर रहता है मिड कैप में करीब 70% रहता है। कभी कभी ये हो सकता है कि जब आप रैली देख रहे हैं थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए वहाँ पे, तो एक वहाँ पे है डेफिनेटली। और बाकी जो जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं वहाँ पे भी थोड़ा सा एलोकेशन डेफिनेटली, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अगर परफॉर्मेंस को मैच करना है विद द कम्पीटिंग प्रोडक्ट्स, तो डेफिनेटली वो नहीं हो सकता जब तक आप थोड़ा लोकेशन मिड और स्मॉल में नहीं बढ़ाएंगे तो। ऑलराइट, चलिए अब थोड़ा सा हम फंड्स की ओर जाते हैं। तो अब अगर किसी को मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर चाहिए हो, तो क्या रास्ता अभी भी म्यूचुअल फंड्स का अपनाना चाहिए और यूलिप्स का नहीं अपनाना चाहिए? बिकॉज अब इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं यही झांसा देकर आपको बोल रही होंगी कि प्रोडक्ट्स खरीदें,
आपको इतना रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अब बताइए, एक निवेशक होने के नाते आपको किस राह को अपनाना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग तरीके से देखें, अपने इंश्योरेंस कवर को अलग तरीके से देखें। अगर आप वो प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो म्यूचुअल फंड के ऑप्शन है वो बेहतर है। एक तो चॉइसेस आपके पास ज़्यादा है, एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, स्पेशली अगर हम स्मॉल कैप की बात करें, जैसे मैंने कहा कि ये प्योर स्मॉल कैप जो यूलिप्स हैं ये बहुत ही रीसेंट एडिशन है, तो वहाँ पे आपको लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलेगा, वो जो म्यूचुअल फंड्स के पास आपको मिलेगा। बट अगेन, चाहे आप कोई भी रूट लें, ये बात सही है कि अगर दोनों को कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड एक डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पर भी आपको बहुत सेलेक्टिव रहना है इन टर्म्स ऑफ आप कौन फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या पैसिव फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो चुनना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा ऑब्वियसली कितना प्रपोर्शन आपका इन दोनों के अंदर है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, याद रखिए एज एन इन्वेस्टर कि आपको इसको रीबैलेंसिंग करना पड़ सकता है समय समय पर। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, अगर आपके लिए लगता है वो थोड़ा सा दुविधा का काम है, तो फिर जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो मल्टी कैप फंड जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो क्योंकि उनमें तीनों जो सेगमेंट है उनमें मिनिमम 25% एलोकेशन रहता है, तो एक अगर आप चाहते हैं कि ये एलोकेशन हमेशा बना रहे तो वो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। बट अदरवाइज प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, फंड भी आपको चुनने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें आप अपने फंड को चुनिए। और राइट, चलिए, तो यूलिप्स में स्मॉल और मिड कैप का तड़का और कमाई के लिए एक बार फिर से नया तरीका इंश्योरेंस कंपनियां जो कि यूलिप प्लान्स लॉन्च करती हैं वो लेकर आई हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप एक जागरूक निवेशक हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए सही रास्ता कौन सा है, किफ़ायती रास्ता कौन सा है, कहाँ कमाई के मौके आपके लिए ज़्यादा है। इसी नोट पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और हेमंत जी आप हमारे साथ बने रहें, और ब्रेक के बाद दर्शकों को भी शो में हम जोड़ेंगे जो आपके अपने सवाल हमसे पूछेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। ब्रेक पर जाऊँ उससे पहले एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर छोड़ रहे